फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का जो वीडियो है उसका जब मैं टाइटल पढ़ूंगी, वो न्यूज बताऊंगी, तो आपको भी शॉक लगेगा अगर आपको उसके बारे में नहीं पता। तो टाइटल है, आमिर खान का तलाक, कंगना के सवाल ने खड़ा किया बवाल, आमिर खान किरण राव डाइवोर्स। तो सच्ची में शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि आमिर खान का मेरे ख्याल से पहले भी एक डाइवोर्स हुआ है, और मुझे याद है कि तब इतनी न्यूज आती थी, तब न्यू जब आमिर खान की कयामत से कयामत तक आई और उसके बाद दूसरी मूवीज इतनी हिट हुई, तो पूरा उनके उसके बारे में बताया जाता था कि बहुत ही लव मैरिज हुई थी। मेरे ख्याल से रीना करके कोई नाम था पहली बीवी का, जो उनकी वाइफ का, और बहुत प्यार है और लव मैरिज थी और ये था वो था, और उसके बाद कुछ सालों बाद जब पता चला कि डाइवोर्स हो रहा है, तो वो बहुत शॉकिंग था। और अब इसमें भी, अब यहाँ उन्होंने जब दूसरी शादी की है, तो उसके बाद अभी किरण राव के साथ जी बहुत प्यार था, ये था, अब उससे वो भी डाइवोर्स हो रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं, तो देखते हैं न्यूज और पता करते कि कुछ इसमें बताते हैं रीजन क्या है, कि क्यों हो रहा है। जनरली तो कभी भी रीजन पता ही नहीं चलता डाइवोर्स का, पर देखते हैं कि न्यूज में क्या शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। और मेरा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने 3 जुलाई को अपने तलाक की घोषणा की। अचानक तलाक की खबर सामने आते ही आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड में भी इस खबर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। और अब कंगना रनौत ने कपल के तलाक पर रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बात साझा की है। आमिर किरण के तलाक के साथ ही कंगना ने इंटरफेथ मैरिज पर सवाल खड़ा कर दिया है। कंगना ने लिखा, एक समय ऐसा आया जहां ज्यादातर पंजाबी परिवार अपने एक बेटे को हिंदू के तौर पर बड़ा करते थे, वो वहीं दूसरे बेटे को सिख के तौर पर। ये ट्रेंड कभी भी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में देखने को नहीं मिला, और न सिर्फ मुस्लिमों में। लेकिन आमिर खान सर के दूसरे तलाक के बाद मैं ये सोचती हूँ कि आखिर इंटरफेथ मैरिज में हमेशा बच्चा मुस्लिम क्यों होता है, क्यों एक औरत हिंदू बनकर नहीं रह सकती। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, ये तरीका प्राचीन और पीछे ले जाने वाला है। उन्होंने आगे लिखा, अगर एक परिवार में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, राधा स्वामी और नास्तिक एक साथ रह सकते हैं, तो फिर मुस्लिम क्यों नहीं। आखिर किसी को मुस्लिम से शादी करने के लिए अपना धर्म क्यों बदलना पड़ता है। आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर जब से सामने आई है, तभी से अलग अलग बातों के साथ इस तलाक को जोड़ा जा रहा है। आमिर के साथ दंगल फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री फातिमा सना शेख को सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स ने ट्रोल करते हुए फातिमा को दोनों के तलाक की वजह बताया। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आमिर के साथ रिलेशन के अफवाहों पर फातिमा ने रिएक्शन भी दिया था। फातिमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पहले मुझे इन बातों से बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता। कई अनजान लोग जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं, वो मेरे बारे में कुछ भी लिखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसमें सच्चाई भी है या नहीं। जो लोग इन खबरों को पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने इन बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया है। बता दें, तलाक की घोषणा के एक दिन बाद ही आमिर और किरण एक वीडियो चैट में नजर आए थे, जिसमें दोनों अपने फैसले के साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। वीडियो में आमिर खान ने किरण राव का हाथ थामे हुए कहा था कि आपने हमारे बारे में सुना होगा, आपको दुख हुआ होगा, कुछ को सदमा लगा होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों खुश हैं और अब भी एक परिवार है। हमारे संबंध में बदलाव आया है, लेकिन हम अब भी साथ हैं। आमिर और किरण पहली बार 2001 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के सेट पर मिले थे, और दोनों ने दिसंबर 2005 में शादी की थी। दिसंबर 2011 में उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। संयुक्त बयान जारी करते हुए पूर्व दंपति ने कहा कि शादी के 15 साल बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया है, और वे सह अभिभावक और एक दूसरे के लिए परिवार के तौर पर नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। अच्छा, ये जो इन्होंने लास्ट में जो बात की थी ना, वो कौन, फातिमा सना शेख,
जो दंगल मूवी में भी हीरोइन थी, तो इसके बारे में तो र्यूमर मैंने भी सुनी थी कि ऐसे लग रहा है जैसे आमिर खान का जो है अफेयर शायद हो रहा है उसके साथ। पर उसके बाद क्योंकि, और वो तब मैंने सुनी थी जब मेरे ख्याल से वो कौन सी मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, ठग ऑफ क्या नाम था, हिंदुस्तान शायद था, मुझे पक्का नहीं याद, जो फ्लॉप गई है मेरे ख्याल से मूवी। तो उसके अंदर जब उन, क्योंकि वो भी इसी मूवी के अंदर थी, और ये सुनने में आ रहा था कि आमिर खान ने ही जोर लगा के जो है फातिमा सना शेख जो भी नाम है उसको बोल के उसको उस मूवी में पार्ट दिलाया है। तो तब तब रूमर्स आ रहे थे, पर उसके बाद तो फिर मैं तो उसके बाद टच में ही नहीं, इतना सुना भी नहीं, न्यूज भी नहीं देखी, तो पता नहीं, उसके बाद तो भूल भूल गई थी। तो पर अब जब जैसे ये बता रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बात यही हो। और ये तो जैसे वो बोले कि इंटरव्यू में उन्होंने तो कह दिया कि भैया जो सना शेख है कि मेरे को ऐसी लिख रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो वो तो टाइम से पता चल जाएगा, इस टाइम और आगे जाएगा कि इनकी शादी होती है एक दूसरे के साथ कि नहीं होती, या आगे जाके फंक्शनों में ये जब इकट्ठे घूमेंगे या मिलेंगे, इकट्ठे आएंगे जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि वैसे इनका अफेयर है कि नहीं है, और वो ये वो एक रीजन है जिसकी वजह से डाइवोर्स हुआ है। पर इससे ये पता चल रहा है बॉलीवुड लाइफ में, बॉलीवुड जो है इतना उस टाइप का हो चुका है कि इवन रिलेशनशिप्स, मैरिज भी जो है वो नहीं चल रही। आप एक बार ही आपका डिवोर्स हो जाए तो समझ में आता है चलो हो सकता है कुछ वजह से हो गया, पर एक बार ही हो जाए, दूसरी बार ही हो जाए, और अगर तीसरी चौथी बारी भी हो रहा है तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद यू। कि आप ए आप, और बेस्ट पार्ट है मुझे ये नहीं समझ में आता बाबा प्यार में कैसे हो सकते हो, आपको एक ही बारी ट्रू लव मिलेगा राइट। तो आप जिससे पहली बारी जिसके साथ आपने प्यार से प्यार कर किया था और दोनों रहे थे, तो उसके बाद आपने डिवोर्स कैसे कर दिया, फिर आपको फिर से प्यार हो गया। मुझे बाबा प्यार होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जो मैं समझती थी प्यार, दैट इज एवर लास्टिंग, वो होता है टिल डेथ यू नो डज अस अपार्ट। पर यहाँ पे तो कुछ और ही है। और जो इंटरव्यू बोल रहे थे जैसे दे रहे इकट्ठे, मेरे को तो वो इंटरव्यू भी जैसे बता रहे थे कि हम दोनों हैं एक ही फैमिली की तरह होंगे, पर पता नहीं कुछ अलग होगा, मेरे तो वो भी समझ नहीं आया ऐसा कैसा डिवोर्स होता है। अगर यही बात है फिर डिवोर्स किया ही क्यों है, तो वो भी बहुत वियर्ड सा ही है। पर देखा है कई बार हमने देखा भाई, इवन हॉलीवुड में देखते हैं कि जब डिवोर्स होता है तो इकट्ठे मिलके आके इस तरह से बोलते हैं, पर अंदर से सेटलमेंट हुई होती है कि मेरे को इतना पैसा तुम दोगे, इतना मेरे पास, इतना तुम्हारे पास, और तभी मैं आके तुम्हारे साथ इकट्ठे खड़े होके वी विल बी ऑल स्माइली स्माइली डिवोर्स का। और अगर नई बात बनती तो फिर जो है मीडिया के थ्रू पता चलता है कि कितना मतलब डर्टी वो जो डिवोर्स है जो चल रहा है। पर बहुत मतलब है तो बुरी खबर ही कि आजकल ऐसे भी बार बार एग्जांपल्स आ रहे हैं जहां पे कुछ सालों बाद 15 साल के बाद डिवोर्स हो रहा है, फिर रीमैरिड करते हैं और फिर डिवोर्स हो जाता है। राइट, इसमें मैं यही कहूंगा कि इफेक्ट जो है बच्चे को पड़ता है, जैसे वो कह रहे हैं उनका बच्चा है, तो पहली बारी मैरिज से भी 2 बच्चे थे मेरे ख्याल से, और अब भी तो सोचो कितना बच्चों के ऊपर कितना असर हो रहा है। तो मेन मेरे ख्याल से इम्पैक्ट बच्चों पे होता है, क्योंकि जो भी है दोनों पेरेंट्स साथ नहीं होंगे बच्चे के, और एक पेरेंट अगर मैरी कर लेता है किसी के साथ और अगर जो मदर है वो भी मैरी कर लेती है, तो अल्टीमेटली बच्चे को एक स्टेप पेरेंट मिलता है, तो उससे इम्पैक्ट आता है स्टेप पेरेंट के वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा उससे नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, मगर जो आपका बर्थ पेरेंट का आउटलुक डिफरेंट होगा स्टेप से, चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो नेचर की बात है, वो नेचुरल बात है। और दूसरा तो बच्चे पे इम्पैक्ट है, और दूसरा ये है मुझे नहीं मालूम था कि अगर अगर कोई मुस्लिम इंसान है वो शादी करता है एक लेडी से जो हिंदू है, तो हिंदू लेडी को अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि शादी आप यूं ही कर सकते हैं अपने रिलीजन के साथ, मुझे भी ये लग रहा था। मगर अगर आप इस केस में मान लीजिए उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करके, लेडी ने रिलीजन चेंज करके अपना इस्लाम किया और शादी की, अब डाइवोर्स हो गया तो क्या करेंगी, वापस हिंदू बन जाएंगी, तो ये तो फिर थोड़ा मतलब उनको अपने खुद के अंदर देखना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि क्या किरण राव ने मतलब अपनी रिलीजन चेंज किया था, मुझे तो नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इस केस में मुझे नहीं, ये लोग मतलब कंगना रनौत कह रही थी मेरे ख्याल से कि रिलीजन चेंज जनरली होता है कि जब आप मुस्लिम से शादी करते हो तो आप अपना चेंज करते हो रिलीजन, तो ये जो है तो ये लग रहा है। अगर वो इस केस में भी हुआ है तो पता नहीं। हाँ, अगर ये जेनेरिक बात कर रहे हैं तो भी ये
क्वेश्चन हाँ, जो है आएगा कि आपने धर्म परिवर्तन किया, आपने शादी की, उसके बाद अगर डाइवोर्स होता है तो आप क्या करेंगे, उसी रिलीजन में रहेंगे कि रिलीजन वापस कन्वर्ट करेंगे? तो उससे ये होता है कि इसका मतलब आपने जो है अपने फेथ की वजह से रिलीजन चेंज नहीं किया, आपने शादी की वजह से किया, वो ठीक नहीं है, क्योंकि रिलीजन वो हायर लेवल का है, इन चीजों में रिलीजन नहीं आया। और कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कहते हैं भाई हम रिलीजन चेंज नहीं करेंगे, शादी कर सकते हैं मगर रिलीजन चेंज नहीं होगा। उसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी आती है लाइफ में कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे, लास्ट नेम फादर से मिल रहा है तो फर्स्ट नेम फिर हिंदू हो जाता है। तो इस तरीके से आप कई देखेंगे, यूएस में भी कई ऐसे हैं जिनके रिलीजन जो है डिफरेंट है और शादी के बाद ही डिफरेंट रहते हैं, सिर्फ वो ये करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू की बात है। तो वहां पे होता है कि बच्चा, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अगर तो लड़का पैदा हो रहा है तो लास्ट नेम फादर का मिल रहा है और फर्स्ट नेम जो है वो मदर की तरफ से आता है। तो उस तरीके से वो हाफ एंड हाफ करके चलते हैं। और डेफिनेटली मतलब ये बात तो सही है, ऐसा दिखाना कि दोनों खुश हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, तो डाइवोर्स ही होगा। एग्जैक्टली, अगर दोनों ही खुश हैं तो डाइवोर्स करने की जरूरत क्यों, लड़ाइयों के बाद ही डाइवोर्स होता है। करेक्ट। सो अगर डाइवोर्स हो रहा है तो किसी प्रॉब्लम की वजह से डाइवोर्स हो रहा है, और जो खुशी खुशी आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट हो रहा है वो दोनों को उस लड़ाई के बाद जो भी सेटलमेंट हो रही है उससे वो संतुष्ट हैं और अब अपनी जिंदगी जिएंगे और बस यही है। तो जो भी है लाइफ में होता है, बट यही है कि ट्रू लव वाली बात तो सही है कि आपको जब प्यार होता है तो उसे सोलमेट जब होता है तो उसके बाद अगर सोलमेट से अगर मान लीजिए, मतलब ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है सोलमेट है, उससे कभी आपको लड़ाई होनी नहीं चाहिए, सोलमेट है तो लड़ाई कैसे हो सकती है, मगर ये रियलिटी में आपको देखना पड़ेगा। जैसे लोग जो हैं अगर तो अरेंज मैरिजेस हैं तो उसमें तो आप ज्यादा दूसरे इंसान को नहीं जानते, मगर अगर लव मैरिज है तो भी आप इंसान को ज्यादा जानते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ जो डाइवोर्स से कम हो जाने चाहिए, मगर तो ज्यादा दिख रहे हैं वही। मगर अगर यही थ्योरी आप यूएस में लगाएं जहां पे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लव मैरिज है, तो भी आप देख सकते हैं बहुत हाई है डाइवोर्स रेट, ऑन 50% है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में भी अब उसी डायरेक्शन में जा रही हैं बातें। तो जो भी है ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बट दुख हुआ देखकर, क्योंकि ऑफकोर्स जो दो लोग सेपरेट हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पेन पॉइंट होगा, तभी हो रहे, तो दुख की बात है। आई होप कि इस सेपरेशन से दोनों को रिलीफ मिले और अपनी जिंदगी जिए। Yes, friends. So, चलो friends, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। Till then, take care and bye-bye. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।